ये टॉक्सिक कलर और स्वीटनर है, यानी कि ये वो रंग है जो आम इस्तेमाल होता है। ये रंग इन तरबूजों के अंदर इस इंजेक्शन के जरिए इंजेक्ट किया जाएगा। ये करते क्या है, आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये तरबूज है और इसके अंदर ये इस सिरिंज से दिखाएं, इस सिरिंज से ये ऐसे इंजेक्ट करते हैं, कलरफुल भी नजर आएगा और टेस्ट वाला भी नजर आएगा। पागल है साला। क्या लिखा है? लगाए जाने वाले इंजेक्शन मुजरी सेहत है। और झूठ मारदा पे जो झूठा आदमी, मैं उसको इस काबिल भी नहीं समझ रहा कि उसके ऊपर कोई वीडियो रिकॉर्ड कराऊं। झूठ बोल रहा है भाई, पता नहीं इसको किसने डॉक्टरी की डिग्री दी है। अल्लाह के बंदो, आप किसी भी फ्रूट के अंदर एक सुई के बराबर सुराख कर देना, वो फ्रूट खराब हो जाता है। करके घर चेक कर ले। तो ये अभी झूठ बोल रहा है। इसे कहीं टीका लगा के जरा बता ना तू, यानी तरबूज को कहता ना टीका लगता है। हाँ, तो तरबूज का कलर तो होता है ना रेड, उसे को जामुनू कलर का टीका लगा, ठीक है, और तीसरे दिन वो तरबूज हमारे सामने काट और बता के उसमें वो जामुनू रंग सारा फैल चुका हो और मिठास उसकी हो चुकी हो और वो खाने के काबिल हो। और अगर ना हो तो गरीब लोगों के कारोबार के ऊपर ये तू बोल रहा है, तो ये तो डिग्री मशकूक होगी, ये तो जो साइंस का इल्म नहीं आता जी। खकड़ियों को टीके लगा, और नहीं इस तरह टीके लग सकते भाई, ये साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं यार। साढ़े मौलवी दो नंबर, डॉक्टर भी दो नंबर निकले ने यार। साइंस ही नहीं आती इन्हें। अल्लाह के बंदो, ये अल्लाह ने एक ऐसी नेचुरल प्रोटेक्शन रखी है, खाली टीका भी कोई लगा देना, उसमें कोई शीरा ना हो, सिर्फ सुई खबो दे आप तरबूज के अंदर, तरबूज खराब हो जाएगा क्योंकि वो एक्सपोज हो जाएगा। और ये कह रहे हैं वो डेरियों में जो पड़े हुए हैं उसको लगाते हैं और रेड कर देते हैं। खुदा दा ना है यार, मौलवी भी दो नंबर, डॉक्टर भी दो नंबर। मुझे क्यों तोड़ा? ऐसे ही यार, ये ना हो कहीं कोई मोटिवेशनल स्पीकर ही मेरा को क्लिप ना काट लेके, जी वाली भाई ने कह दिया कि यहूदियों का जबिया जो है ना वो बड़े खुदा के मानने वाले हैं। ये चाइल्ड यही कुछ करते हैं ना हमारे साथ, बेशर्मी के साथ करते हैं, बिल्कुल खौफ खुदा नहीं इन लोगों को। एक प्योरली इल्मी डिस्कशन हो रही होती है और ये बेशर्मी के साथ झूठ बांध देते हैं किसी बंदे के ऊपर, ध्यान के साथ लोग क्लिप काट लेते हैं। ये मुसलमान स्कॉलर बकवास कर रहे हैं। अभी मैंने कल क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं, मैंने किधर से पट्टी पढ़ा दी किसी ने तुम्हें, स्कॉलरशिप बोल रही है इस वक्त, और इसलिए मैं उस स्कॉलरशिप को गौर से देख के बता रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी मना किया था कि आप बेनिफिट ऑफ द डाउट देना मैं बंद करने लगा हूँ आपको। अंडरस्टैंड, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, इसमें कोई और इतलाक होता है। आपके ऊपर इस्लाम फारिग करने का फतवा मैं दे सकता था, दे देता, खुद पढ़े, बहुत फतवे आप लोगों को देते फिरते। जंग के हालात में आपने आयरन डोम की तारीफें, और उसको खुद मैंने सुना पाकिस्तान के मौलवी यहाँ पे बैठे हुए, इसराइल के मुसलमानों को आयरन डोम ने ईरान के हमले से बचा लिया। सुभान अल्लाह। लाइक मैं यूनिवर्सिटी में आया हूँ, किसी दिन स्पेशल वीडियो करके बताऊंगा इस्लाम के कौन से पोस्टुलेट्स आपने धज्जियां उड़ा दी। तौबा इस्तिग़फ़ार करें, मेरा तो ख्याल है उसके लिए भी देर हो गई है। और पढ़ें बनू कुरैज़ा को, जब सहाबी ने ऐसे किया था कि कितने दिन तक सतून में बांधा था, आयत स्पेशल आई थी सहाबी के लिए, क्या अल्लाह ने इसको माफ किया, सिर्फ ऐसे किया था बनू कुरैज़ा के लिए। और ये वही बनू कुरैज़ा है बेटा, वही बनू कुरैज़ा जिसके लिए आपने आयरन डोम के मरसिए पढ़े, इधर सॉरी कसीदे। इसराइल के अंदर बैठे हुए मुसलमानों को बचाना मकसद नहीं है, समझे, हम मिन हम, ये हदीस भी खोल के देख लें, कहां से निकाली ये भी देख लें, आपको हदीसों का बहुत पता है, हम मिन हम, इतनी बेसिक्स नहीं आपको पता। और लड़कों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि आयरन डोम ने इसराइल के बच्चे बचा लिए, मुसलमान इसराइल के अंदर भी रहते वही बच गए, शाबाश, इसमें तो तालियां बनती। और फिर वो मेरे खिलाफ कहते हैं जी इंजीनियर साहब ने आयरन डोम की तारीफ कर दी है, अल्लाह के बंदे अल्लाह से डर जा। मैं क्या बात कर रहा था, तूने पूरा क्लिप भी नहीं देखा, ठीक है। बाद में इस बंदे को किसी ने फोन करके कहा, कहता नहीं मुझे छोटा सा क्लिप अली भाई का किसी ने दिखाया था। जालिम इंसान, इतनी बड़ी जुरत की, मुझे तुमने काफिर कहा और कहा कि तौबा भी नहीं कबूल होगी, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, मेरा तो ख्याल है उसके लिए भी देर हो गई। तुम पैगंबर से भी कोई बड़ी चीज बन गए हो, अल्लाह से डर जाओ यार, अल्लाह से डर दो, ये कुफर के फतवे लगाना छोड़ दो यार। ये कौन सी दीन की खिदमत हो रही है कि आप दूसरे मुसलमानों को काफिर के और के इसकी तौबा भी कबूल नहीं है? वो तो बात ही कुछ और हो रही थी, वो आयरन डोम वाले मसले पे। और वो जो इंजीनियर साहब ने एक जाहिर बताई है, गोया कि मैं भी एग्री नहीं करता इस चीज़ पे उनसे, कि जो उन्होंने बताई है कि भाई आप मुसलमान क्या कर सकता है, वो पावरफुल है, वो F-32 इतना यूं उड़ जाता है और F-16 से कैसे लड़ेंगे। देखें तो वो तो बदर का कॉन्सेप्ट यही तो था कि 313 के आगे कोई हज़ारों थे, लेकिन अल्लाह ताला की जो गैबी मदद और अल्लाह ताला की जो हिम्मत से मुसलमान लड़ता है। सर मुझे यहाँ एक मिसाल, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, हज़रत इब्राहिम की खलीलुल्लाह, जब उन्हें आग में डाला गया तो गिरगिट ने आग भड़काई और कबूतर ने वो की ना, वो आग भड़का पाया ना कबूतर बुझा पाया, लेकिन तारीख याद कबूतर को करेगी, उसने कम अज कम उसने कहा कि मैं भड़काने में से तो नहीं हूँ भाई। वाह वाह, अल्लाह के बंदो अल्लाह से डर जाओ। मैं अगर F-16 की F-35 की तारीफ करता हूँ तो इसलिए नहीं करता कि मैं उनके रिलीजन को सही मानता हूँ,
मैं इसलिए करता हूँ, काश हमारे पास भी ये टेक्नोलॉजी हो तो आज हम इनका मुंह तोड़ सके, अमेरिका का, यूरोप का, इसराइल का। कहां से बात उठा के कहां ले जाते हो, अल्लाह से डर जाओ।